हेलो क्लास आज आपको नेक्स्ट पोएम एन एलची रिटर्न इन आ कंट्री चर्च यार्ड पढ़ाई जाएगी सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एलची होती क्या है एलची एलची मीन्स होता है शोक गीत यानी कि सैड सॉन्ग ये एक ऐसा गीत होता है जो कि किसी की मौत पर दुख व्यक्त करने के लिए लिखा जाता है एन एलची रिटर्न इन आ कंट्री चर्च यार्ड का मीन है एक शोक गीत जो कि एक गांव के कब्रिस्तान में लिखा गया इसके पोएट का नाम थॉमस ग्रे है जो थॉमस ग्रे हैं उन्होंने ये एक शोक गीत लिखा है जो उन लोगों के प्रति शोक व्यक्त करता है जिनको समाज में कोई महत्व नहीं दिया जाता है ऐसा होता है कि एक दिन जो कवि हैं वो कब्रिस्तान में घूमते घूमते शाम के समय चर्च की घंटियाँ सुनते हैं तो उनके दिल में जो गरीब मरे हुए लोग हैं उनकी कब्रों को देख कर कुछ विचार आते हैं और वो वही ये शोक गीत लिखते हैं जो शोक गीत होते हैं वो अक्सर लंबी कविताएं होती हैं तो ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं एन एल एच रिटर्न इन कंट्री चर्च यार्ड एक्चुअल में ये भी एक लंबी कविता है जिसमें कुल बत्तीस स्टैंडजाज हैं लेकिन आपके कोर्स में केवल पाँच स्टैंडजाज ही पढ़ाए जा रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंजर्स का है द कर्फ्यू टूल्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी फर्स्ट लाइन देखते हैं इसकी द कर्फ्यू टोल्स द नैर ऑफ़ द पार्टिंग डे कर्फ्यू कर्फ्यू मीन हो जाएगा यहाँ पर शाम के समय जो गिरजाघर में बजने वाली घंटियाँ होती हैं कर्फ्यू टोल्स उन उन घंटियों को कहा जाता था जो इंग्लैंड में आठ बजे प्रतिदिन बजाई जाती थी ताकि लोग अपनी जो पत्तियाँ हैं वो बुझा दें और सोने के लिए तैयार हो जाए तो कर्फ्यू मीन्स हो जाएगा शाम के समय गिरजाघर में बजने वाली घंटियाँ टोल्स टोल्स मींस होता है बजती हैं नल नल जो होता है वो किसी की मौत के समय जो घंटियाँ बजाई जाती हैं उसको कहते हैं पार्टिंग पार्टिंग मतलब हो जाएगा समाप्ति डे दिन द कर्फ्यू टोज द नेल ऑफ़ द पार्टिंग डे यानी कि इस टेंजा में जो कवि हैं वो कहते हैं कि शाम के समय जो गिरजाघर में घंटियां बजती हैं वो बज रही हैं और उन घंटियों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि दिन की समाप्ति हो गई है यानी कि घंटियां जो हैं वो दिन की समाप्ति का संदेश दे रही हैं द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली लोअ मतलब हो जाएगा रंभाना लोइंग मीन्स रंबाना हर्ड मतलब हो जाएगा पशुओं का झुंड विंड विंड स्लोली यानी कि स्लोली मिस हो जाएगा धीरे धीरे और विंड मिस हो जाएगा टेढ़ी मेढ़ी चाल चलना ली मिस हो जाएगा चारा द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर ली यानी इस लाइन में जो कवि है वो कहते हैं कि जो पशु है पशुओं का जो झुंड है वो भी रंभाता हुआ चारा गा पर टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हुए अपने घर की ओर जा रहा है अगली लाइन है द प्लाउ मैन होम वार्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे प्लाउ मैन मतलब हो जाएगा प्लाउ मैन मीन्स किसान होम वार्ड घर की ओर प्लॉट प्लॉट मीन्स हो जाएगा पैरों को घसीटते हुए यानी धीरे धीरे चलते हुए वेयरी मीस हो जाएगा थका देने वाला वे मीन्स रास्ता द यानी इस लाइन का अर्थ होगा द प्लाउ मैन होम वार्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे यानी जो किसान हैं वो भी थके हुए भारी कदमों के साथ धीरे-धीरे अपने घर की ओर लौट रहे हैं एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी फिर वो बाद में कहते हैं लास्ट लाइन में एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी लीव्स मतलब हो जाएगा छोड़ना वर्ल्ड संसार डार्कनेस अंधकार में मी मुझे यानी वो कहते हैं एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस यानी सभी लोग अपने-अपने घर जा रहे हैं सभी सो जाएंगे अब क्या हो जाएगा संसार जो हो जाएगा वो अंधकारमय हो जाएगा और इस संसार में मैं अकेला रह जाऊंगा दोबारा देखते हैं स्टैंडा को द कर्फ्यू टूर्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे द लोइंग विंड स्लोली ओवर द ली द प्लो मैन होम वर्ल्ड प्लॉट इज वेरी वे एंड लीव वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी यानी स्टैंडजा में जो कवि है वो कहते हैं कि शाम के समय गिरजाघर की जो घंटियां हैं वो बस्ती हैं ये दिन की समाप्ति का संकेत देती हैं इस समय जो मवेशी हैं वो भी अपने घर वापस लौट रहे हैं पशु जो हैं वो टेढ़े मेढ़े ढंग से रास्ते पर चल रहे हैं किसान जो हैं वो भी अपना काम कर चुका है और वो भी थक कर घर की ओर भारी कदमों से जा रहा है हर व्यक्ति आराम के लिए अपने घर घर में होगा यानी सभी लोग रात हो गई है सभी सोने के लिए अपने घर जा रहे हैं लेकिन कवि जो है वो कहता है कि मैं अकेला कब्रिस्तान में रात के अंधेरे में रह जाऊँ इसका नेक्स्ट एंजा है एल्म्स दैट यू वेयर हीव्स द टफ इन मेनी आर मॉनिटरिंग हीप ईच इन हिज इनरोल फॉर एवर लेट द रूट फोर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप बनीस होता है नीचे रग्ड मतलब हो जाएगा अशोभनीय यानी पुराना एल्फ्स एल्फ जो होता है एक तरह का जंगली पेड़ होता है। यू जो, यू जो आकार का एक वृक्ष होता है जो सदा बाहरी वृक्ष कहलाता है शेड छाया हीव्स हीव्स मतलब होता है उभरना टर्फ टर्फ हो जाएगा सूखी घास मॉल्टरिंग मॉल्टरिंग मतलब हो जाएगा नष्ट होते हुए हीप ढेर दो शेड वेयर हीव्स द टर्फ इन अवल्टरिंग

उन पर क्या हो गया है सूखी जो घास है वो उग आई है और वो घास जो है वो अब सूख चुकी है और वो जो कब्रें हैं उनमें से कुछ कब्रें ढेर के रूप में बदल गई हैं और वो ऐसा लग रहा है जैसे वो नष्ट होने के कगार पे हैं ईच इन सेल नैरो मतलब होता है पतली सेल मतलब कब्र एवर मतलब हमेशा लेट लेटे हुए च इन हिज नैरोल्फ फॉर अवर लेट फिर वो आगे कहता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है जो मर चुका है वो अपनी कब्रों में हमेशा के लिए लेटा हुआ है द र्यूट फोर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप रूड का मतलब यहाँ पर अशिक्षित से है फोर फादर्स यानी पूर्वज हेमलेट गांव का नाम है स्लीप मतलब सोना द र्यूट फोर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप फिर वो कहता है ये जो सोए हुए लोग हैं जो मरे हुए लोग हैं वो कौन है वो हेमलेट नामक गांव के मेरे पूर्वज हैं जो कि अशिक्षित थे दोबारा देख लेते हैं बिनीत दोस रगड एम्स दैट यू ट्री शेड वेयर ही द टर्फ इन मेनी अ माउंटरिंग हीप ईच इन हीज सेल फॉर लेट द रूट फोर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप बिनी ट्री शेड यानी जो कवि हैं वो कहते हैं कि इस एम्स और ये यू आकार का जो पेड़ है उसकी छाया के नीचे जो कब्रें बनी हुई हैं वो कैसी हैं वे इज द टर्फ इन मेनिया मॉडलिंग की मैंने उनमें से जो अधिकांश कब्रें हैं उन पर घास उगाई है और वे नष्ट होने के कगार पर हैं ईच इन फॉर एवरलेट द र्यूड फॉर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप इन कब्रों में हेमलेट नामक गांव के मेरे जो सीधे साधे निरक्षर जो पूर्वज हैं वो पत, अपनी पतली कब्रों में हमेशा के लिए लेते हुए हैं यानी कब्रिस्तान में जो कवि है कुछ पेड़ों को देखता है उनमें कुछ जंगली पेड़ हैं और कुछ पेड़ हैं वो सदाबहार हैं उन पेड़ों के नीचे जो छोटी छोटी कबरे बनी हुई हैं उसमें से जो अधिकांश कब्रें हैं वो नष्ट होने की कगार पर हैं वो मिट्टी के ढेर की तरह होती चली जा रही हैं कुछ स्थानों पर उनका जो धरातल है वो ऊबड़ खाबड़ भी है ये कब्रें कवि के पूर्वजों की हैं जो सीधे साधे और बिना पढ़े लिखे थे उनके पूर्वज गरीब थे और वे इसी कब्रिस्तान में दफनाए गए थे थर्ड स्टैंड है द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रेथिंग मॉर्न द स्वेलो ट्विटरिंग फ्राम द स्ट्रॉबेल शेड द काक श्रील क्लेरियन और द इकोइंग हॉर्न नो मोर शैल राउस दे एम फ्राम देअर लोली बेड द ब्रिजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग ब्रिजी मतलब होता है सुबह की ठंडी हवा कॉल मतलब पुकारना इंसेंस मतलब खुशबूदार ब्रीथिंग मतलब सांस लेना मॉड मतलब हो जाएगा सुबह स्वेलो मतलब हो जाएगा ट्विटर मतलब हो जाएगा चहचहाना स्ट्रॉबेरी शेड मतलब तिनके का बना हुआ घोसला कॉक मुर्गा शिल शिल मतलब हो जाएगा तीखी तेज क्लैरियन मतलब हो जाएगा बांग देना इको गूंजना हॉर्न बाजा यहाँ पर हॉर्न कार शिकारियों द्वारा बजाया जाने वाला बाजा है राउस मतलब जगना लोली बेड यानी कि कब्र देखते हैं इसका अर्थ द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रेथिंग मॉड यानी जो कवि हैं वो कहते हैं कि सुबह के समय जो ठंडी हवाएं चल रही हैं और उसकी जो सुगंध है वो चारों तरफ फैल रही है द स्वेल और ट्रिटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉबेल शेड जो अबाबील पक्षी है वो भी अपने घोंसले से चहचहा रही है द शिल क्लेरियन मुर्गा भी सुबह होने की वजह से तीखी बांग दे रहा है और द इकोइंग हॉर्ड और शिकारी जो शिकार पर जा रहे हैं वो भी अपना बाजा बजा रहे हैं नो मोर शेल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड इन सभी की आवाज़ें सुनकर सभी लोग अपनी नींद से जाग गए हैं लेकिन उन्हें उनकी नींद से कोई भी नहीं जगा सकता जो अपने नीचे की कब्रों में या नीचे के बिस्तरों पर हमेशा के लिए लेटे हुए हैं यानी कि जो लोग मर चुके हैं उनको उनकी कब्रों से उनकी नींद से कोई भी नहीं जगा सकता बाकी सभी की आवाज़ें सुनकर सारे मनुष्य जो जीवित हैं वो जाग गए हैं फोर्थ स्टैंडर्स का है लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल ट्वेल्व देयर होमली ज्वाइस एंड डेस्टनी ग्रैंडियर हेयर विद अ डिटेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर एम्बिशन मतलब हो जाएगा महत्वाकांक्षा या फिर कह सकते हैं महत्वाकांक्षी लोग मॉक मिस होता है मजाक उड़ाना यूजफुल ट्वेल्व यानी कि महत्वपूर्ण या उपयोगी ट्वेल्व मतलब हो जाएगा काम या परिश्रम होमली चॉइस यानी कि साधारण मनोरंजन डेस्टनी भाग्य ऑब्सक्योर अज्ञात या अनिश्चित ग्रैंडियर शान शौकत यानी कह सकते हैं बड़े लोग डिस्टेनफुल यानी घृणापूर्वक स्माइल स्माइल का मतलब यहाँ पर उपहास करने से है अनस मतलब हो जाएगा अभिलेख या इतिहास या काम कह सकते हैं हाँ तो इस स्टैंडर्ड का एक्सप्लेनेशन देखते हैं लेट नॉट एम्बिशन मॉक देअर यूजफुल टॉयल यानी इस लाइन में जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो महत्वाकांक्षी लोग हैं उन्हें छोटे लोगों के उपयोगी कामों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए देयर होमली चॉइस एंड डेस्टनी ऑफ्स्योर देयर होमली चॉइस यानी उनका जो जो जीवन था वो बहुत ही साधारण था एंड डेस्टनी ऑफ्स्योर और उनके जो भाग में लिखा था वो बहुत ही अनिश्चित था नोर ग्रैंडियर हेयर विदाइल द शॉर्ट एंड सिंपल द पुअर यानी कि इस लाइन दोनों लाइन में जो कवि है वो कहते हैं कि जब कोई भी वैभवशाली लोग किसी साधारण या छोटे लोगों के कामों के बारे में सुने तो उसे बेकार समझकर घृणापूर्वक मुस्कुराए ना यानी उसका मजाक ना उड़ाए चलिए इसका एक साथ एक्सप्लेनेशन बता देते हैं यानी कि इस टैंजा में जो कवि हैं वो कहते हैं जो गरीब लोग और किसान लोग थे उनका वो बहुत ही परिश्रम करते हैं वे सादा जीवन जीते हैं उनका जो श्रम होता है लोगों को भोजन देता है यानी उनके श्रम से ही हम खाना खाते हैं वे साधारण वस्तुओं से अपना मन बहलाव कर लेते हैं यानी उससे ही अपना मनोरंजन कर लेते हैं लेकिन जो महत्वाकांक्षी और बड़े लोग हैं उनके सादा रहन सहन के मजाक उड़ाते हैं वे जो गरीब लोग हैं वे उपयोगी काम करते हैं लेकिन उनके कामों का जो अभिलेख है जो लेखा जो है वो नहीं मिलता है क्योंकि उनका भाग्य उसे छिपा देता है कवि कहते हैं इसीलिए कि जो धनी और महान लोग हैं वे जब गरीबों का गरीबों से मिले और उनके छोटे और उपयोगी कामों को देखें तो उन्हें बेकार समझकर उनका मजाक ना उड़ाएं का अब ये आपकी पोएम का लास्ट अंजा है द बोस्ट ऑफ हेरेट्री द पॉम्प ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी एंड ऑल दैट वेल्थ एवर गिव अ लाइक द इनविटेबल आवर द पस ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव यानी कि इस टेंशा में जो कवि हैं वो कहते हैं द बोस्ट ऑफ हेरेट्री बोस्ट ऑफ मतलब होता है शिक्ही बघाड़ना यानी बड़ी बड़ी बातें करना हेरल्ट्री मतलब हो जाएगा ऊंचे कुल में जन्म लेना पॉम्प ऑफ पावर पॉम्प ऑफ पावर मतलब शक्ति का दिखावा करना ब्यूटी सौंदर्य Wealth धन अवेट्स इंतजार करना Inevitable निश्चित ही Path रास्ता ग्लोरी वैभवशालिता ग्रेव कब्र यानी इस टंजय में जो कवि कहते हैं द बोस्ट ऑफ फैरल द पॉम्प ऑफ पावर यानी यदि किसी व्यक्ति का जन्म ऊंचे कुल में हुआ है तो ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण उसे शेखी नहीं बघाड़नी चाहिए द पॉम्प ऑफ पावर यदि कोई व्यक्ति शक्तिवान है शक्तिशाली है तो उसे अपने शक्ति का दिखावा नहीं करना चाहिए एंड ऑल दैट ब्यूटी और यदि कोई सुंदर है किसी को सुंदरता प्रदान की गई है तो उसे अपने सुंदरता पर भी घमंड नहीं करना चाहिए ऑल दैट वेल्थ एवर गेव अगर कोई धनवान है तो उसे अपनी धन पर उसे अपनी संपत्ति पर भी घमंड नहीं करना चाहिए अवेट्स अलाइक द inevitable hour, आवर क्योंकि जीवन में सभी के एक निश्चित घंटा निश्चित पल अवश्य आना है यानी एक सभी के जीवन में एक जो निश्चित पल है वो सभी की प्रतीक्षा कर रहा है और वो कौन सा पल है द पस ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव यानी आप चाहे जितना ही वैभवशाली क्यों ना हो यानी आप चाहे जितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो या कितने भी वैभवशाली क्यों ना हो लेकिन आपको अंत में एक ही रास्ते पे जाना है और वो रास्ता क्या है ग्रेव यानी कि कब्र द दस ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव यानी आप चाहे जितने ही वैभवशाली क्यों ना हो आपने जीवन में कितनी ही वैभवशालीता हासिल क्यों ना कर रखी हो लेकिन लास्ट में आपको एक ही रास्ते पर जाना है और वो रास्ता है कब्र यानी कि मौत यानी इस में जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो शक्तिशाली लोग हैं अपने सांसारिक शा, जो चीज़ों को देखकर घमंड ना करें क्यों ना करें क्योंकि ये जो हमारा घमंड है एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा क्योंकि इस संसार में सभी लोगों को एक ना एक दिन अवश्य मरना है और वे, कोई व्यक्ति समाज में चाहे जितना ही ऊंचे पद पर क्यों ना हो उसे सम्मान प्राप्त क्यों ना हो चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो लेकिन सबका अंत जो है वो एक सा ही है सभी को एक ही रास्ते पर जाना है और सभी को एक ही मंजिल है सभी की और वो क्या है कब रहे तो ये था आज का वीडियो अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू